दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ फुल शॉर्ट डेड मोबाइल को कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों ये एक माइक्रोमैक्स है मेरे पास मोबाइल है जो पूरी तरह से डेड है, तो हम इसे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप और आपको दिखाते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल GSM हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मोबाइल है ये फुल शॉर्ट है, हम मीटर को बीप की रेंज में रखेंगे, हम फोन को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल हमें जो यहाँ पे रीडिंग्स नहीं आनी चाहिए वो हमें रीडिंग्स आ रही है करीब 645 या 650 के करीब हमें रीडिंग्स आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, जो हमें नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हमारे मोबाइल में लीकेज है, हाफ शॉर्टिंग है। तो हम जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। जो हम बैटरी ने शुरू खोल लिया है, एक कस्टमर ने मुझे मोबाइल दिया है टच पैड और रिप्लेस करने के लिए और मोबाइल को भी सही करने के लिए। तो दोस्तों ये है इसकी पूरी सर्किट। अब हम इसे पावर सप्लाई द्वारा चेक करेंगे और पता करेंगे इसके लीकेज को। तो हम पावर सप्लाई पे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें फुल शॉर्टिंग आ रहा है। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे पावर को यहाँ से 1 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के नीचे रखेंगे। हम इसे 2.5 वोल्ट पर सेट करते हैं और इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव टच। ये देखिए दोस्तों, बिना कुछ किए ही हमारा ये करीब 60 मिली एम्पियर तक पावर खा रहा है। अब हम पीस को टच करेंगे, इसे महसूस करेंगे हीटिंग हो रहा है कि नहीं कहीं पर। दोस्तों यहाँ देखिए बहुत तेज हीट हो रहा है, जो कि सिम कनेक्टर और उसके ऊपर जो कवर होता है उसके नीचे है। यानी हमें सिम कनेक्टर निकालना होगा, उसके बाद हमें उसके बाद सर्किट को खोलना होगा, उसके बाद हमें चेक करना होगा कि हीट क्या हो रहा है। हम स्टिकर को निकाल लेंगे। हमें इसे नीचे से हिट करना है तो हमें इसे नहीं लगाना है। हमें इसे नीचे से हिट देना है और काफी आराम आराम से करना है, हमें जरा भी जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो हमारा ट्रैक ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ का हमारा हो चुका है, अब हम दूसरी तरफ से भी इसे निकाल लेंगे। याद रखें दोस्तों, काफी आराम आराम से, वरना ट्रैक ओपन होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसे हमने निकाल लिया है, अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसे स्टैंड पर रखते हैं और इस कॉइल को, हम फॉइल को जो है निकालेंगे। इसीलिए हमें इसे इस तरह से ब्लोअर से निकालना है। अब हम इसे फिर से पावर सप्लाई द्वारा चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इसका हीट हो रहा है। तो अब हम इसे लगाएंगे 2.5 से 2 वोल्ट के करीब। ये देखिए दोस्तों, हमारा करंट ले रहा है। अब हम देखेंगे हीटिंग यहाँ हो रहा था,
तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हीटिंग हो रही है। ये जो हमारा लाइट सेक्शन है, लाइट सेक्शन में शॉर्टिंग है जो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है जो कि हल्का सा डार्क ब्लैक हो चुका है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों यहाँ पर जो हीट हो रहा है, हमें लाइट आईसी भी हीट हो रही है। ये हमारा क्वाइल है, ये हमारा लाइट सेक्शन है और ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर जो कि हल्का, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका कलर चेंज हुआ है, थोड़ा काला काला डार्क हो चुका है। तो अब हम इसे फिल्टर कैपेसिटर को निकालेंगे और हम देखेंगे कि हमारा शॉर्टिंग रिमूव हुआ कि नहीं। तो हमने इस कैपेसिटर को निकाल दिया और अब हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। ये हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव पे रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रीडिंग 1000 के पास आकर चला गया, यानी हमारे पीस से पूरी तरह से शॉर्टिंग निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार, ये पीस तो हमारा ऑन हो जाएगा लेकिन यहाँ पे एलसीडी की लाइट नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो कैपेसिटर निकाला है वो फिल्टर का एक तरह काम करता है। वो हमारे लाइट का जो वोल्टेज होता है, जो 20 से 30 वोल्ट के पास आता है, उसे फिल्टर करता है। और यहाँ पर उसे कैपेसिटर को हमें किसी और लाइट सेक्शन से निकाल के लाइट सेक्शन का ही कैपेसिटर लगाना है, फिल्टर कैपेसिटर ही लगाना है, तब जाके फोन में हमारे लाइट आएगा। तो अब हम चलते हैं। देखिए हमारे पास एक स्क्रैप का नोकिया 101 का सर्किट है और यहाँ पर ये इसका फिल्टर कैपेसिटर है। हम इसका कैपेसिटर रिमूव करके यहाँ पर लगाएंगे। हमने इसे लगा दिया है, अब हम इसे पैक करते हैं। अब पहले हम फिर से शॉर्टिंग को देख लेते हैं। ये देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, पूरी तरह से सही है। स्टार्ट करने के लिए सेट कर लेंगे, एक लगा लूं शॉर्टिंग फिर लगा लिया। सही से सोल्डरिंग करना है, नहीं तो हमारा मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड नहीं काम करेगा। हम इसे हॉट गन से भी लगाएंगे अभी। हॉटगन से थोड़ा, हॉटगन के माध्यम से थोड़ा सही से इसे हम लगा देंगे। ये हमारा टच का स्ट्रिप है, तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा पीस ऑन हुआ कि नहीं। और हमारा लाइट वर्क कर रहा है कि नहीं। इस फोन का मुझे टच पैड भी चेंज करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा पीस ऑन हो चुका है और इस पर लाइट भी आ रहा है और ये टच भी वर्क कर रहा है, लेकिन कस्टमर ने फिर भी बोला है आपको टच चेंज करना है, तो मैं इसका टच चेंज करने वाला हूँ। दोस्तों ये इस तरह के जो फोन होते हैं, जो सिम कनेक्टर के नीचे उसके सभी पार्ट्स होते हैं,
वो हमें काफी सावधानी से उस पर काम करना होता है। इस सिम कनेक्टर को हमें काफी आराम से ब्लोअर के माध्यम से निकालना पड़ता है, इसका ट्रैक ना डैमेज होने पाए। उसके बाद हमें ये ऊपर इसके पत्रे हैं, चद्दर है, इसको निकालना पड़ता है। उसके बाद हमें इस पे कुछ काम करना पड़ता है। तो आपने देखा कि अभी जो इसका एक कैपेसिटर खराब था, लोग सोचते हैं कि कैपेसिटर रिमूव कर देंगे, उसे लगाना जरूरी नहीं है। ये कैपेसिटर देखना पड़ता है कि उसका वर्क क्या है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो फिल्टर के तौर पे काम कर रहा था, वो लाइट सेक्शन में था। तो वहां पर हमें लाइट सेक्शन पे जो फिल्टर का कैपेसिटर होता है वो उसका वैल्यू अलग होता है, इसलिए हमें किसी और फोन से लाइट सेक्शन का कैपेसिटर फिल्टर ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा लाइट ऑन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी हाफ शॉर्टिंग को चेक कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक करंट रखकर हम हीटिंग चेक करके इसे चेक कर सकते हैं। अगर हमारा फोन फुल शॉर्ट होता तो हम उसे इस बैटरी के माध्यम से चेक करते, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जो आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं कि हम फुल शॉर्टिंग को कैसे चेक करें। तो दोस्तों हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।